आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के अभिनेता पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी भारतीय हिंदी सिनेमा के अभिनेता हैं। वह अपने प्राकृतिक अभिनय शैली के लिए लोकप्रिय हैं। पंकज लोगों की नजरों में तब आए जब उन्होंने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपनी भूमिका से लोकप्रियता हासिल की, जिसमें उन्होंने सुल्तान की भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, मिर्जापुर, सेक्रेट गेम 2 जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में बेहतरीन एक्टिंग की और लोगों के दिल में जगह बनाई। आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं पंकज त्रिपाठी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को भारत के बिहार राज्य के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गाँव बेलसन में हुआ था। पंकज का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित बनारस तिवारी एक किसान और एक पुजारी हैं और उनकी माँ हेमवंती एक गृहिणी हैं। उनके 3 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। त्रिपाठी के पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए पटना भेज दिया। वहाँ पढ़ाई के दौरान वह ABBP में शामिल हो गए और कॉलेज की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। पंकज त्रिपाठी की खेलों में भी अच्छी रुचि थी। अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट में एक कोर्स ज्वाइन किया और होटल मौर्य में 2 साल तक शेफ के रूप में काम किया। 15 जनवरी 2005 को उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम मृदुला है। पंकज त्रिपाठी की मुलाकात मृदुला से उस समय हुई जब दोनों स्कूल में पढ़ते थे। उनकी एक बेटी है आशी त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी का करियर। पंकज को अभिनय का शौक तो पटना में रहते हुए ही लग गया था और इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने नाटक शो में भाग लेना शुरू कर दिया। साल 1995 में उन्होंने कहानी पर आधारित नाटक में एक स्थानीय चोर की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन की दर्शकों और मीडिया ने काफी प्रशंसा की। पटना में 7 साल बिताने के बाद पंकज दिल्ली आ गए। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने 2004 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और वापस पटना लौट आए और 4 महीने एक थिएटर किया। 16 अक्टूबर 2004 को अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंच गए। 2004 से 2010 तक उन्होंने विज्ञापनों सहित फिल्मों और टेलीविजन में कई छोटी भूमिकाएं की। पंकज की शुरुआत में कमाई इतनी अच्छी नहीं थी जिससे घर चल सके, तो उनकी पत्नी ने मुंबई के गोरेगांव में पढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2004 में आई फिल्म रन में उन्हें अभिनय दिखाने का मौका मिला, जिसमें अभिषेक बच्चन और विजय राज ने अभिनय किया था। 2010 में उन्हें गुलाल नामक एक टीवी ड्रामा में काम करने का मौका मिला। गुलाल की शूटिंग के दौरान पंकज को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऑडिशन के लिए कॉल आया और उन्हें सुल्तान की भूमिका की पेशकश की गई। फिल्म में उनके प्रदर्शन को दर्शकों ने खूब सराहा। गैंग्स ऑफ वासेपुर में इनकी एक्टिंग को देखकर इनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे, जिसके बाद उन्हें फुकरे, मांझी द माउंटेन मैन और मसान जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पंकज त्रिपाठी को लोगों ने वकील भैया के रूप में जब वेब सीरीज मिर्जापुर में देखा तो पंकज की दीवानगी लोगों में ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर 2 में दोबारा से अभिनय किया, जिससे उनका क्रेज दर्शकों में और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही बॉलीवुड गपशप पाने के लिए हमारे चैनल फिल्मी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।